सो हेलो लोग, कैसे हो आप लोग? भाई आए हो आप लोग अच्छे हो? तो गाइज यार, फाइनली तुम्हारा भाई लेके आया तुम्हारे लिए आज एकदम न्यू एंड खतरनाक वीडियो। एंड गाइज, आज की वीडियो में गाइज ऐसी चीज़ के बारे में गेस करने वाले हो ना, मतलब कि गाइज आप लोग सोच नहीं सकते हो भाई, ऐसा कैसे हो गया, अचानक से कैसे हो गया गाइज। तो गाइज, आज तुम्हारे भाई ने एक आइडिया खरीद दिया गाइज, खतरनाक सी वाली, एकदम खतरनाक वाली आइडिया भाई यार, खतरनाक वाली। आप लोग देखोगे ना तो भाई मतलब क्या ही हो जाओगे, आप लोग डर जाओगे यार देख के। मैं तो खुद मतलब बहुत बंदों को सरप्राइज़ मिलेगा एकदम से भाई, क्या ही मज़े है भाई। राठी भाई कैसे क्या? तो गाइज, अगर आप भी जब चाहते हो कि मैं वीडियो में आपको पता लगे कौन सी आईडी खरीदी है कौन सी नहीं खरीदी है, तो ये दी है, तो उससे पहले बता देता हूँ गाइज, मैं पहले थोड़ा बिजी था इस चक्कर में, वीडियो शूडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अभी वीडियो वगैरह डालेंगे डेली के डेली, या फिर एक दिन किसी दिन मिस हो जाएगा तो ऐसी बात मत करना। बट नॉर्मली गाइज, तुम्हारे भाई ने एकदम मस्त वाली आईडी कर दिया गाइज, आप गैस करो गाइज कौन सी आईडी होगी यार। आप एकदम आप गैस करके बताओ कौन सी आईडी होगी गाइज, ऐसी खतरनाक क्या आईडी होगा ऐसा, जिसमें जो भी है गाइज, जो भी बंदा सही से गैस करेगा उसको मिलेगा कुछ रिडीम कोड एक मस्त वाला। कमेंट्स करना ज़रूर। एंड गाइज देखो, आप पूरा प्रोसेस दिखाने वाला है, जिससे भी खरीदी है उससे एकदम से नॉर्मली पूरा स्टार्टिंग से एंड तक का कैसे परचेज किए क्या किए है। थोड़ा डर तो लगा था बट फिर भी कर लिया यार, जो भी होगा देख लेंगे। तो नॉर्मली गाइज गैस करो जल्दी जल्दी। एंड गाइज तुम्हारे एकदम खतरनाक आईडी है गाइज, गैस करो कमेंट करो, तब से तब आपको गाइज चैट पढ़ा देता हूँ। आज तक वीडियो को देखना गाइज, बड़ी बड़ी नहीं है, वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो गाइज, है ना। मिलते हैं थोड़े से मजे के बाद। आगे देखो गाइज, आप नॉर्मली चैट पढ़ो गाइज, चैट पढ़ते हैं फिर देखना आप लोग आराम से एक चीज़ को ना। तो नॉर्मली गाइज मैंने सबसे पहले की थी सेलर से बात, सेलर को बोला मैंने हाय भाई आईडी सेल कर रहे हो क्या? उसने बोला हाँ, कौन सी वाली? मैंने कि टॉप वन वाली आईडी तुम्हारी आईडी है। उसने बोला हाँ सेल कर रहे हो क्या? मैंने कि उसे, वो बोल रहा हाँ, बट तुम कहाँ से हो? मैंने बोला भाई मैं राठी बोल रहा हूँ जो पिछले कई सीज़न से टॉप वन पर था तुम। उसने बोला ज्ञान राठी हो क्या भाई? फिर मैंने बोला हाँ भाई, मतलब बंदा जान गया था अपन को नॉर्मल स्टार्टिंग की। एक ही चैट बताऊंगा जल्दी से। उसने फिर मेरे को बोला था आराम से दिखा था, उसने बोला ज्ञान राठी हो क्या? हाँ बॉस। फिर मैंने बोला, उसने बोल रहा था भाई यार इस आपने क्यों नहीं किया इस सीज़न पुश? अच्छा मतलब, मैंने बोला बिजी था ब्रो यार, इस बार मैं अभी फ्री हुआ हूँ तो देखा कि टॉप वन पर तुम हो इसीलिए आईडी सेल कर रहे हो, तो मैं सोचा थोड़ा पूछ लेता हूँ कि भाई सेल कर रहे हो क्या? उसने बोला हाँ भाई करना तो है। तो मैंने कि भाई करना है तो ओके, कलेक्शन वीडियो भेज दो, देख लेता हूँ कितना है और प्राइस क्या है। उसने बोला भाई पहले कलेक्शन देख लो। मैंने कि ओके ठीक है। फिर उसने मेरे नॉर्मली मतलब अपना कलेक्शन भेजा, तो मेरे को मतलब उसने कलेक्शन भेजा था मेरे को, मैंने सोचा ठीक है कलेक्शन देख लेते हैं। फिर अपन को तो गाइस देखो नॉर्मली प्राइस से मतलब नहीं था आईडी की, उससे अपन को मतलब कलेक्शन से मतलब नहीं था, अपन को तो सिर्फ टॉप वन पर रहना था उस लिए ना। फिर नॉर्मली गाइस आपको एक ही चीज़ बताते, फिर उसने मैंने उसने कलेक्शन भेज दिया। मैंने बोला था ओके भाई कलेक्शन तो सही है बट मुझे तो इस सीज़न ही नाम रखना है बस, बाद में नेक्स्ट सीज़न मेरे इस आईडी से मेरी ही आईडी से पुश करूँगा। मतलब अगर बंदा अपना नाम नाम भी लिख लेता ना मेरे लिए तो भी दिक्कत नहीं थी, बट वो नाम लिखने को रेडी नहीं था, मतलब ज़्यादा मन नहीं था उसका, सेल ही करने का था। तो मैं ठीक है चलो कोई बात नहीं है ओके। फिर उसने लिख दिया था भाई ओके ओके मतलब। तो आगे भाई एक ही चीज़ पढ़ के बताऊँगा गाइज आप लोगों को, क्योंकि मैंने सोचा यार बता ही देता हूँ आप लोगों को, परचेज किया था। फिर उसने बोला ओके ओके भाई लेना है क्या आज ही? मैंने बोला हाँ लेना तो है ही, प्राइस बता दे सही भाई। उसने बोला था 25 की है ना? मैंने कि भाई सही लगा ले यार, थोड़ा सही से लगा ले यार भाई, मुझे भी यार रैंक स्कोर से मतलब है, कलेक्शन से नहीं है। फिर मैंने उसको बता दिया चल 18 के ले लेना, मतलब 18 ले लेना यार। उसने बोला भाई यार मतलब 22 के बोला उसने, 22 दे देना उससे बोला। मैंने बोला देख अब लास्ट फाइनल है, जो भी सोच के होगा वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो कितने में होगा डील आपको क्या लगता है यार, नॉर्मल है ना? तो गाइज उसके बाद मैंने उसको, उसने बोला तो 22 के दे देना। मैंने कि भाई देख लास्ट फाइनल कर ले, अब 20 के फिक्स कर ले देनी है तो बोल, तो अभी ले लूँगा मैंने बोला उसको। उसने बोला बोला ओके भाई चल, बट पेमेंट पहले लूँगा भाई। तो गाइज यार मेरे को थोड़ा डर लगता था, मतलब पेमेंट पहले लेने वाले बहुत होते लेकिन अपन ने थोड़ा अच्छी सिक्योरिटी के साथ लेंगे। मैंने बोला बट भाई कोई भी स्कैम नहीं होना चाहिए, मेरे बारे में जान लेना अच्छे से, आईडी प्रूफ भेज दे मेरे को तेरे, और लोकेशन भी मैं घर ही आ जाऊँगा, खर्चे की टेंशन नहीं है मेरे साथ, फ्रॉड हुआ था। मैंने बोल दिया भाई अगर खर्चा वर्चा की टेंशन नहीं, मेरे को फ्रॉड हुआ ना तो घर से आके मारूंगा, घर ही उठा लूंगा, नो टेंशन रहना तुम तो। फिर उसने बोला अरे भाई नो टेंशन रहो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेफ आईडी मिलेगी, नो टेंशन ब्रो। उसने बोला मैं ओके, मैं आधार कार्ड पैन कार्ड और लोकेशन भेजता हूँ, 2 मिनट रुको ओके भाई। मैं ठीक है भाई भेज दे। मैंने भाई पहले से बोल देता था कि यार अगर गलत करेगा ना तो मैं जहाँ का है ना एक बार लोकेशन मिल गया ना लाइव, वहाँ का पूरा डिटेल निकाल दूंगा।
चाहे से पैसे कितने भी खर्च हो जाएंगे उसी के छेड़ेंगे फिर सिर पर। तो गाइज उसने उसके बाद फिर अपना आईडी प्रूफ एंड लोकेशन भेजी थी। तो गाइज किसी का पर्सनल आईडी दिखाना अच्छी बात नहीं होती नॉर्मल, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा हाइड कर दिया। एंड उसने मेरे को लोकेशन भी, उसकी लाइव लोकेशन भेज दी थी। मैं कि ठीक है भाई ओके, नंबर भेज दे पेटीएम पेमेंट का, मैं पेमेंट कर देता हूँ, आईडी पास भेज देना। मैं कि ठीक है रिस्क तो ले लेते हैं, रिस्क क्या छोड़ेंगे तो है नहीं, देख पेमेंट जाने के बाद अपन छोड़ेंगे नहीं उसको नॉर्मल। फिर उसने बोला ओके भाई यही नंबर है क्या, इसी पर ही यही नंबर है इसी पर कर दो जिससे बात करें, मतलब जो नंबर मैंने सेल किया सेलिंग का था उसी पर पेमेंट करना था। तो मैं कि ओके भाई करता हूँ, क्या नाम आएगा? उसने बोला था रोहित भाई का नाम है उसका, रोहित जागर नाम आएगा। ठीक है भाई नाम तो उजागर कर दिया मैंने उसका, लेकिन नंबर वगैरह उजागर करना अच्छी बात नहीं है इसलिए। तो फिर क्या नॉर्मल मैंने बोला था कि किससे करूँ पेमेंट, फ़ोन पे ऐसा कुछ बोला था। उसने बोला ऑल भाई फ़ोन पे गूगल पे पेटीएम बोल किसी से भी कर दे, पे एंड सेंड स्क्रीनशॉट ब्रो। मैं कि भाई ओके करता हूँ बट स्कैम हुआ तो देख लेना भाई, मैं कि बहुत प्रॉब्लम होगी भाई तुम्हें। उसने बोला ओके ना भाई नो टेंशन, अभी मिल जाएगा सब चेंज कर लेना। मैंने कि ओके ठीक है भेजता हूँ। फिर कहीं मैंने इसको पेमेंट किया, मैं कि ओके भाई भेज दे आप दे दे आईडी पास। उसने बोला ओके आई विल चेक, फिर चेक किया, फिर बोल रहा था आईडी पास दे दिया, फिर बोल रहा था ओके भाई ऑन करो। मैं कि ओके वेट करो किससे है, मैं कि आईडी एफपी से था क्योंकि उसने जीमेल दिया था और पासवर्ड दिया था। मैं कि ओके करता हूँ ऑन, ओके हो गई है ऑन, बट भाई अगर रिकवर नहीं होनी चाहिए, मैंने उसको बोल दिया था। उसने बोला नहीं प्रॉब्लम भाई कोई दिक्कत नहीं, छोटा भाई समझ के। मैंने कहा ठीक थैंक्स भाई जो भी है भाई, बोल कब बोल रहा था कभी काम पड़े तो याद बताना। मैं कोई ना चलो अभी गेम पे जाता हूँ, थोड़ा रुका नहीं जा रहा था भाई इसीलिए। एंड गाइस नॉर्मली गाइस इस वीडियो में देने वाला हूँ छोटा सा रिडीम कोड, एंड फिर गाइस हम लोगों को अभी करने वाले ना ओम एकदम से, क्योंकि गाइस मैं बता देता एकदम से, मैंने पहली बार आईडी परचेज की थी ऐसे तो मैं सोचा पता। सो नॉर्मली गाइस यार आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पे परचेज कर लिया तो वन वाली आईडी। एंड गाइस खोल के भी देख लेते हैं, आप लोगों को दिखा देता है भाई खोल के भी यार क्या वास्तव में वही है। तो मैंने यहाँ लॉगिन किया है एंड यहाँ पे लॉगिन करता हूँ थोड़ा सा, देखते हैं भाई क्या टॉप वन वाली है वाकई में। भाई लग तो ऐसे रही है ग्राउंड मास्टर वाली, मेरे को तो थोड़ा सा डर लग रहा था गाइज कि यार खाई फालतू तो में कटवट नहीं गया और नॉर्मल की यार आजकल, लेकिन अपन इसकी ऐसी तैसी कर देते हैं नॉर्मल अच्छे क्योंकि अपन ने पहले से अच्छे से पूरी डिटेल से की थी बंदे से। यार भाई प्रोफाइल देख लेते भाके, ये लो भाई भाई ये 92,000 स्कोर है गाइज एंड 577 भाई वकील भाई नाम लिखा हुआ है गाइज। यार टॉप वन वाली आईडी है तुम्हारे भाई ने परचेज कर ली ना गाइज, फटाक से करेगा ना अभी नाम चेंज और सब कुछ। तो गाइज कैसा लगा आप लोगों को भी एकदम मज़ेदार है। एंड गाइज साथ में भाई आप भी एक रिडीम कोड अभी से मैं दे देता हूँ गाइज, जो ज़्यादा का रिडीम कोड नहीं बनाया था गाइज, नॉर्मली मैं बनाने वाला था कुछ ज़्यादा का, लेकिन अभी छोटा सा नॉर्मल बना था तो मैं आपको देने देता हूँ, अभी बनाया है जस्ट। एंड गाइज नॉर्मल कर लेते हैं ना इसमें यार, टॉपअप भी कर लेते हैं गाइज, नाम चेंज भी तो करना पड़ेगा ना, देखते हैं नाम चेंज कार्ड है कि नहीं है इसमें। अरे इसमें नाम चेंज कार्ड नहीं है, डायमंड भी नहीं है यार भाई ने डायमंड नहीं दिए तो नुकसान हो गया। चलो कोई बात नहीं टॉप बन गई तो इतना भी कर लेंगे। एंड गाइज अब तुम्हारा भाई आएगा ना वापस से टॉप वन पे यार, क्रेज दबदबा इमोट तो नहीं है इतने अच्छे, बट भाई तुम्हारा भाई आएगा ना वापस से टॉप वन पे गाइज, क्रेज दबदबा होगा अपना यार एकदम से मस्त वाला, पहले का जैसा तुम्हारा भाई एंड अभी बनाएगा ना मस्त वाली टॉप वन वाली से वीडियो वीडियो एकदम से धांसू वाली। तो गाइस सपोर्ट करना तुम्हारे भाई को, एंड आपको कैसा लगा गाइस एकदम से राडी भाई फिर से टॉप बन आ गए, बहुत दिन से देख रहा था यार बंदे लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे मेरे को भाई टॉप वन पे कैसे आओगे कब आओगे यार तुम टॉप वन कब प्लस करोगे, तो मेरे को बड़ा दुख होता था यार मेरे भी ना, मतलब बहुत बंदे कमेंट भी करते हैं मैं उनको कुछ बोल नहीं पाता, उनको रिप्लाई नहीं दे पाता कि यार मैं क्या करूँ कैसे आऊँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा भाई चलो कोई बात नहीं अगर प्लस नहीं कर पाया तो इस सीजन आईडी खरीद लिया है गाइस, इस सीजन तो काम आएगी ये आईडी, अगले सीजन भेज देंगे वापस अब उनको तो 92 में करना है, अगले सीजन उसका लेवल बढ़ाएंगे जो भी करना है। तो गाइस नॉर्मली यार आप लोग देख सकते हो हमारा स्कोर हो गया 92 भाई साहब 1 लाख होने वाला है, जल्दी कर जाएगा तुम्हारा भाई 1 लाख। तो गाइस अभी वीडियो डेली आएगी यूट्यूब पर, डेली टिके रहना। ये बताओ टॉप वन वाला जो परचेज किया मस्त है कि नहीं है सीन। एंड गाइस नॉर्मली कर लेते हैं पहले एक टॉप अप एंड नाम चेंज कर लेते हैं जल्दी जल्दी गाइस, है ना ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी यार। तो नॉर्मली गाइस देख सकते हो हमारे अकाउंट में हो चुके 432 डायमंड गाइस, एंड टॉप अप कर लिया था हमने, नाम चेंज कर लिया, ज़्यादा की जरूरत नहीं है अपन को क्योंकि इसमें सब कुछ पहले से अच्छा खासा है नॉर्मल। एंड नाम चेंज कर लेते हैं गाइस, लिखते हैं ना मैंने नाम भी कॉपी कर रखा है। तो अरे भाई मेरे को बहुत जल्दी हो रही है गाइस नाम चेंज करने की, क्या ही बताऊँ ना यार मैंने मेरा ये वाला नाम तो हट गया मेरा यार, इसको आगे से हटाता हूँ थोड़ा सा एडिट करके आता हूँ गाइस एंड फिर से देखता हूँ वापस से। एंड आप देखते गाइस वो वाला लोगो ही हट गया था यार, इसमें भी आईफोन का लोगो हट गया है, फिर भी ट्राई कर लेते हैं। निकनेम ऑलरेडी गाइस यही प्रॉब्लम दिख रहा था मेरे को बस,
इसी प्रॉब्लम की वजह से ना मैं वो नहीं कर रहा था गाइज। मुझे पता था भाई ये प्रॉब्लम होगी यार मेरे साथ, मेरे साथ होती है गाइज ये प्रॉब्लम यार। चलो फिर से देखते हैं कुछ नया। चलो गाइज इस वाले को हटाते हैं एंड न्यू वाला करके लाया था, ये वाला देख लेते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो? अबे ये वाला भी कर रहा है भाई, कौन आरामी आदमी है यार भाई, कौन है मतलब भाई कौन है यार, हद ही है। फिर से देखता हूँ गाइज न्यू एंड ये वाला ट्राई करता हूँ गाइज यार, ये वाला। अरे भाई ये भी वाला है निकनेम यार, क्या ही करूँ यार भाई ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये वाला और ट्राई करते हैं। अरे भाई साहब ये, अरे एंड इस बार कुछ अलग तरीके से लिखा है ना गाइज, आईफोन का लोगो आगे दे दिया यार, फिर लिखा है देखते। ओ भाई साहब ये हो गया गाइज, थोड़ा सा नाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। आर गाइज इधर लिख देते हैं, आर इधर लिख देते हैं ना गाइज, यूट्यूब फ्राठी गेमिंग, यूट्यूब फ्राठी गेमिंग आ गया ना दब दब अपना यस। एंड नीचे मैं लिख देता हूँ गाइज थोड़ा सा लव सब लगा के थोड़ा सा, वैसे तो मैं लिख देता हूँ बट कोई बात नहीं है गाइज, थोड़ा सा लग देता है ऐसे ही कभी कभी हो जाता है। तो गाइज फाइनली तुम्हारा वायरल करने यार नाम चेंज, वायो में चेंज हुआ ना नाम, यस यस गाइज वायो भी चेंज हो गया एंड गाइज नाम लिख देना ज्ञान राठी। अरे मेल किसने कर रखा है भाई इसकी, ऐसी तैसी करूँ, फीमेल नहीं है मेल है हम तो भाई। अब हो गया ना मेल एंड अब आएगा ना गाइज, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, हो जाएगा कोई बात नहीं है। एंड गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, आज की वीडियो इतनी थी, आपसे रैंक पुश करेंगे हम भी एकदम मस्त वाला एंड लव यू मेरे भाई सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच सभी को दिल से। बहुत बड़ी वीडियो हो गई आज इसलिए दिल से सॉरी यार सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज टाटा बाय बाय, भाई यो बाय बाय वाला कहाँ गया इसमें है क्या, बाय 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 बाय। It's not